पौड़ी शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की धमक से दहशत बरकरार है। वहीं शहर के वार्ड नंबर 3 में स्थित चुंचा गांव में बीती देर शाम को गुलदार आवासीय बस्ती के अंदर दिखाई दिया। जानकारी देते हुए ग्रामीण मंजीत रावत ने बताया कि उनके घर के सदस्यों पर गुलदार हमला करने ही वाला था कि हो हल्ला कर ग्रामीणों ने उसे भगा दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई थी, लेकिन वन विभाग की बेरुखी के चलते ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने DFO गढ़वाल वन प्रभाग को मामले में घटनास्थल का जायजा लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान DFO के आदेश पर वन कर्मियों द्वारा चुंचा गांव के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में दिन के समय ही गश्त की गई। नगर पालिका पौड़ी के अंतर्गत चुंचा ग्राम में जो एक घटना की जानकारी आ रहा है, उसमें एक गुलदार ग्राम में मकानों के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में ग्रामवासियों ने उसकी शिकायत जब विभाग को किया तो विभाग के द्वारा उसमें शीघ्रता से कार्रवाई नहीं किया गया, ऐसा उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। मैंने अभी DFO पौड़ी से इस संबंध में आख्या प्राप्त करने का निर्णय लिया है और उनसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता भी किया है कि अगर वहाँ पर कोई गुलदार का दिखाई दिया जा रहा है तो वहाँ पर तत्काल जो है पिंजरा लगाने की कार्रवाई किया जाए और वहाँ पर गश्त के लिए टीम भी भेजी जाए और ऐसी घटनाओं को जहाँ जहाँ से सूचना मिलती है वहाँ पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई शीघ्रता से करने के निर्देश सभी रेंज ऑफिसर्स को निर्देश दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक तो गश्त लगाएं और एक हमारी पिंजरे को लेके मांगे। और गुलदार कितने बजे आया, धमका था गांव में और क्या क्या? गुलदार का जो टाइमिंग था वो था 7:30 और 7:45 के बीच में। और क्या उस समय हुआ था? तो गुलदार स्वयं ही मेरे घर में, मेरी मिसिज और मेरा बच्चा था नीचे नांदे में, और जैसे ही गुलदार उन पर झपड़ने वाला था वैसे ही मैंने स्टूल उठाया और उसकी तरफ फेंका तो गुलदार ने सीधे छलांग लगाते हुए दूसरे घर की तरफ रुक लिया और फिर घर के पीछे से दूसरी महिला जो हमारी भाभी जी हैं सरिता रावत जी उन पर झपड़ने की कोशिश की, जो कि अपनी भैंस को दूर निकाल कर अपने घर की तरफ आ रही थी।